नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोन पे आपको किस तरीके से रजिस्टर करना है अपने मोबाइल पर। फ़ोन पे रजिस्टर करने के लिए आपके पास आपका एटीएम कार्ड होना ज़रूरी है, जो कि एक्टिव हो और जो कि रनिंग में वर्किंग करता हो। आइए हम वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से हमको फ़ोन पे रजिस्ट्रेशन करना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि फोन पे में आईडी कैसे बनाएं और बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें। तो चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं। हमें गूगल प्ले स्टोर पर जाकर फोन पे ऐप को इंस्टॉल करना है। तो हम यहाँ पे सर्च बार में जाके फोन पे को इंस्टॉल कर लेते हैं। फोन पे का नाम डाल के यहाँ पे सर्च कर लेते हैं फ्रेंड। फोन पे सर्च करने के बाद में इसको इंस्टॉल करके और ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में फ्रेंड, इसमें हमें अपने मोबाइल नंबर इंटरफेस करने हैं, जो वो मोबाइल नंबर डालने हैं जो हमारे बैंक अकाउंट से ऐड हैं। तो ठीक है फ्रेंड, हम वो मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में इसमें हमारे ओटीपी आएंगे, तो ओटीपी से इसको लिंक करना है। तो ओटीपी आने के बाद, ओटीपी होने के बाद में हमें अपना मोबाइल सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद में हमें अलाउ के जो मैसेज आएंगे, लोकेशन के, एसएमएस के, हमें उनको अलाउ कर देना है फ्रेंड। ठीक है, अलाउ करने के बाद में हमारी आईडी, फोन पे आईडी ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है, फोन पे आईडी ओपन होने के बाद में हमें अपनी बैंक अकाउंट को ऐड करना है फ्रेंड। तो हमें बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमें चेक बैंक बैलेंस पर क्लिक करते हैं, जहां से हम अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेंगे। ठीक है, हम चलो क्लिक करने के बाद में हमें मेरे अपने मोबाइल नंबर से काफी सारे अकाउंट हैं, तो मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और मोबाइल नंबर से कनेक्ट कर कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद में मेरे वेरिफिकेशन के लिए मैं अपने एटीएम कार्ड के 6 डिजिट जो होते हैं, वो मैं लास्ट 6 डिजिट को एंटर करना है फ्रेंड। तो लास्ट 6 डिजिट मेरे एंटर कर लेता हूँ मैं। 6 डिजिट एंटर करने के बाद में इसको हमारे एक्सपायर्ड मंथ और ईयर डालना है, जो हमारे एटीएम का एक्सपायर्ड मंथ है और ये रहे। डालने के बाद में प्रोसेसिंग करने के बाद में अपनी अपने बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। उसके बाद में हम वापस बैंक चेक बैंक बैलेंस में जाके अपना बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हैं और हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।